सिस्टर, आप पार्टी में बोर होती हैं, फिर भी अपने बेटे के साथ आती हैं और लड़कियों को घूरती रहती है, क्यों? इसलिए कि कहीं मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह कुंवारा न रह जाए। मतलब पार्टी में आने से शादी हो जाती है? हम तो बरसों से पार्टी में आते हैं। हे राज। हाय। Glad you could make it. नमस्ते आंटी, नमस्ते। आइए आइए, come on, why don't we go in? हमें लग रहा था कि आप आएंगे ही नहीं। कम दे सकते आंटी जी, जरा संभल कर। एक्सक्यूज मी, मेहता साहब, इनसे मिलिए। ये है मिसेस गोयल। नमस्ते। और ये इनके बेटे मिस्टर राज गोयल। हाय। ही इज प्रोबेबली द यंगेस्ट बट डेफिनेटली द मोस्ट फेमस लॉयर ऑफ आवर कंट्री। हां, बड़ी खुशी हुई कि आप हमारी पार्टी में आए। आपका नाम तो बहुत सुना था। आज विक्रांत भाई साहब की वजह से आपसे मुलाकात भी होगी। वैसे इनकी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। मैं देखना चाहता था उस इंसान को जो आज तक कोई केस हारा ही नहीं। वैसे सुना है जिसकी जेब में आपका विजिटिंग कार्ड हो वो बिना झिझक खून तक कर सकता है। उमर है मेहता साहब, अफवाह है। गलती से ऐसा कुछ कर मत दीजिएगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। या वेरी नाइस, वन मोर। बहुत बिजी हो मेरी। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। हेलो भाभी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह हेलो। हेलो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी मेरा नाम याना है। याना, अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वैसे तुम I'm sorry, आंटी, आप मुझे कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। फ्रेंड, दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। आज हमारा सातवां म्यूजिक एल्बम भी प्लैटिनम जुबली मना रहा है। थैंक यू वेरी मच। और ये सब मेरे भाई अभिजीत के संगीत की वजह से हुआ है। स्काई ऑडियो कंपनी को आसमान की इस बुलंदी पर पहुंचाने में दो और लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक है मशहूर म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर मिस्टर विक्रांत कपूर। अभिजीत मेहता साहब, थैंक यू। और दूसरी वो है जिनकी सुरीली आवाज और दिलकश रूप का जादू हम सबके दिलों पर छाया हुआ है, संगीत की दुनिया का सबसे रोशन सितारा सरगम। Hey, hey.
पता है पता 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 इश्क इबादत इश्क पूजा इश्क खुदा का नाम है दूजा इश्क पूजा इश्क खुदा का नाम है दूजा इश्क में मरना कतरा कतरा दिल है दिवाना सरगम, how are you? Good. ये हैं राज कोयल. Hi. राज कोयल, hi. इनकी सेक्रेटरी याना. Hello. Hi. Excuse me. Okay. अब याद आया. You're a very famous lawyer. Yes, yes, I am. Excuse me, sir. One photo, please. मैम थोड़ा नजदीक ले लीजिए. Sure. That's nice. आप तो कम से कम लोगों को अपने शो पर बुला सकती हैं। हमारे पेशे में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोर्ट में जरूर आइएगा। खून का एक बहुत अच्छा मुकदमा चला। That's right, Raj. अरे माँ, ये सरगम है, ये मेरी माँ है और मेरे अंकल। अरे मैं तो इनकी फैन हूँ। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। आप अकेली आई है? मेरा मतलब है आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं आए? जी, दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ बरस पहले एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा दोनों ही। आई एम सो सॉरी बेटी, लेकिन आज के बाद अपने आप को अकेली कभी मत समझना। जब भी जी चाहे इस माँ से मिलने चली आना, मुझे भी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू सो मच। चलिए वरना देर हो जाएगी। कम ओके, एक्सक्यूज मी। ओके, अच्छा माँ जी।
ये एक घर पे स्टार्ट किया है, एक यहाँ पर भी स्टार्ट किया है। मैंने अपने पूरे करियर में इतनी बेरहमी से किया हुआ कत्ल कभी नहीं देखा। ये नफरत की इंतहा है या ये कातिल पागल है। हेलो, हमारे बीच नहीं रहे। उनके मॉडलिंग वाले बंगले पर आज उनकी लाश पाई गई। सारी म्यूजिक इंडस्ट्री उनकी हत्या का शोक मना रही है। पुलिस ने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिस्टर मेहता के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने तरंग नाम के एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कितने अच्छे आदमी थे, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। राज, अरे सरगम, हेलो, आई एम सो सॉरी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो दरअसल इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आई। जी बिल्कुल, आइए प्लीज बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। वो सॉरी मैं इस तरह फोन किया। नहीं प्लीज तकलीफ मत कीजिए। दरअसल राज, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेहता साहब के कातिल को मैं अदालत में सख्त से सख्त सजा दिलवाऊं। मैं चाहती हूँ आप उसे बचाएं। तरंग किसी का खून नहीं कर सकता राज, कभी नहीं। आप इस तरंग को कैसी जानती हैं? गुरु हैं वो मेरे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। मुझे संगीत सिखाया है उन्होंने। लेकिन सरगम, वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया। तरंग बेगुनाह है, ये मेरा यकीन है राज। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा सच का ही साथ देते हैं, झूठ और झूठ बोलने वालों को देखते ही पहचान लेते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज मेरी खातिर आप एक बार उसे मिल लीजिए और ये फैसला खुद कर लीजिए कि वो बेकसूर है या गुनहगार। मेरा नाम राज है, राज गोयल।
वकील हूं मैं। मेरे पास आपकी फीस देने के लिए। मैं सरगम के कहने पर यहां आया हूं। मुझे पता था कि सरगम मेरा साथ जरूर देगी। अच्छा ये बताओ तरंग, ये खून तुमने क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया सर। इससे पहले कभी किसी जुर्म में गिरफ्तार हुए हो तुम? नहीं सर। राज, सब लोग मुझे राज कहते हैं। राज, तुम ठीक से बोल नहीं पाते। नहीं तो क्यों ऐसा लगा आपको सर? जस्ट कॉल मी राज, आई डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब ये खून तुमने नहीं किया। सेठ जी तो बहुत अच्छे आदमी थे। इस शहर में जो मेरे सर पर छत है वो उन्हीं की मेहरबानी थी। 50,000 रुपए दिए थे उन्होंने मुझे, मुझे चांस भी देने वाले थे। मेरी धुने, मेरे गाने उन्हें बहुत पसंद थे। उनकी मौत से सब बड़ा नुकसान तो मेरा ही हुआ है ना। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास उन्हें कत्ल करने की कोई जायज वजह नहीं थी? कत्ल करने के लिए कोई भी वजह जायज हो सकती है क्या राज? उस दिन तो मेहता साहब के यहाँ क्या करने गए थे? म्यूजिक सिटिंग थी हमारी। मैं बाहर हॉल में बैठा हुआ था कि अचानक एक चीख, मैं भागकर अंदर गया तो देखा कि खून में लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे और पीछे की तरफ से कोई भाग रहा था। यू मीन कमरे में कोई और भी था? जी। कौन? शक्ल नहीं देख पाया। फिर क्या हुआ? कुछ याद नहीं। याद नहीं? व्हाट डू मीन बाय याद नहीं? मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, बीमारी समझ लीजिए। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ देर के लिए बिल्कुल होश नहीं रहता मुझे। कुछ याद नहीं रहता तुम्हें? लेकिन जब तुमने कुछ किया नहीं था तो तुम वहां से भागे क्यों? जब मुझे होश आया तो कपड़ों पर खून के धब्बे। बाहर नौकर चिल्ला रहे थे कि कातिल अंदर ही है। फिर कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छी है ये, भूलने की बीमारी अच्छी है। ऐसा होता है मामा जी। देखिए मैं चाय में शक्कर डालना भूल गया। अरे वो खून करके भूल गया। राज आई एम शॉक्ड, तुम्हें कोई कैसे, आई मीन आई थिंक वो आदमी बहुत स्मार्ट है। अगर वो इतना होशियार है तो इतनी घटिया कहानी क्यों सुना रहा है जिस पर किसी को यकीन ना है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसकी आंखें पढ़ी है, उनमें वो खौफ ही नहीं जो एक मुजरिम की आंखों में होता है। सोनिया तुम किसी साइकाइट्रिस्ट को जानती हो? उस हादसे के वक्त वो लड़का शायद फ्यूज स्टेट में चला गया होगा। फ्यूज स्टेट? किसी भी दिमागी बीमारी के कारण जब इंसान अपनी याददाश्त कुछ देर के लिए खो बैठता है उसे फ्यूज स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, उन्हें याद ही नहीं रहता है कि वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह कैसे पहुंच गए। जैसे मिर्गी की बीमारी, उसमें भी आदमी को जब दौरा पड़ता है तो वो फ्यूज स्टेट में पहुँच जाता है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। डॉक्टर साहब मुझे इस केस में आपकी मदद की ज़रूरत है। Would you be interested? Relax, Tarang. ये कैमरा मैं अपने लिए लगा रही हूँ ताकि ये कैसेट में बार बार देख कर स्टडी कर सकूँ। ओके okay?
काफी गर्मी है ना यहाँ। कुछ बात करो अपने बारे में, गांव के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। बाबूजी शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक थे, उनकी आवाज में जादू था। मैं घंटों उनका संगीत सुना करता था। 7-8 साल का था मैं जब वो इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत का ऐसा सदमा लगा मेरी माँ को कि वो पूरा पूरा दिन गांव में उन्हें ढूंढती रहती। फिर लाइब्रेरी में झाड़ू पोता लगाने की नौकरी मिल गई। पढ़ने का शौक था, सारी किताबें पढ़ डाली, लाइब्रेरियन बन गया। बस एक माँ की चिंता लगी रहती थी कि खाना खाया होगा कि नहीं उसने। लेकिन एक दिन सारी चिंताएं खत्म हो गई, कुएं में से लाश मिली उसकी। अच्छा तरंग ये बताओ तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि तुम्हें ये भूलने की बीमारी है? जब माँ का देहांत हुआ मैं बैठा रो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अर्थी को कांधा देने के लिए लोगों से कहा तो वो हैरान हो गए, बोले पागल हो क्या, अभी अभी तो तुम अपनी माँ की चिता को आग देकर आ रहे हो। मैडम मुझे आज तक याद नहीं मैंने अपनी मां की चिता को आग कब दी। मेरे ख्याल से दिस इज एन ओपन एंड शट केस। राज गोयल ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है ये केस लेकर। सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी और मेरा मानना है कि जीत हमेशा सच्चाई की है। अरे हटिए आप लोग, चलिए चलिए उधर, चलिए चलिए हटिए। Right, Mr. Bhullar, you can put up your case. Your Honor, कुछ भी कहने से पहले मैं Honorable Court को चंद तस्वीरें दिखाने की इजाजत चाहता हूँ। Yes. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तस्वीरें कहां साबित करती है कि मेरे क्लाइंट ने यह कत्ल किया है? योर ऑनर, ये तस्वीरें मैं अदालत को इसीलिए दिखा रहा था ताकि केस शुरू होने से पहले मेरे क्लाइंट के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और इंसाफ करते वक्त कानून इस नफरत को पहले देखे और सच्चाई को बाद में। मिस्टर भुलर, आप कोई और सबूत या गवाह पेश करना चाहते हैं? हाँ तो डॉक्टर दीवान, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कातिल राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड? गले के अंदरूनी घाव सजेस्ट करते हैं कि ये घाव किसी लेफ्ट हैंडेड आदमी ने किए हैं। तो आपके मुताबिक मुलजिम? जी हाँ वकील साहब, मुलजिम भी लेफ्ट हैंडेड है। डॉक्टर साहब, कोई राइट हैंड इस्तेमाल करने वाला आदमी अगर जानबूझकर अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करे तो क्या घाव उसी तरह बनेंगे जैसे अश्विन जी के बॉडी पर थे? जी हाँ। मतलब आप ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि कत्ल लेफ्ट हैंडेड वाले ने किया है? नहीं, विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। आपने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो उसने आपसे कहा कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, तो फिर आपने उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया? हा? जब मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया उसके दोनों हाथ खून से रंगे थे। इंस्पेक्टर साहब,
जिस छुरे से कत्ल किया गया उस पर मुलजिम की उंगलियों के निशान मिले? हो सकता है मुलजिम ने उंगलियों के निशान मिटा दिए हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो अपने निशान मिटाए, उसके बाद अपने हाथ मिस्टर मेहता के खून में डुबोए और फिर उसके बाद वहां से भागे ताकि जब आप उसे गिरफ्तार करें तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाए? अच्छा जाने दीजिए, ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, कत्ल के वक्त उस कमरे में कोई और भी मौजूद था? मेरा मतलब मेरे क्लाइंट के अलावा कोई दूसरा आदमी? इसका कोई सबूत तो नहीं मिला। तो क्या इसका कोई सबूत मिला कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं था? जी नहीं। वजह, कारण, योर ऑनर मोटिव, मकसद, हर काम हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, मकसद होता है। आप यहां इसलिए मौजूद है ताकि इंसाफ हो सके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब यहां इसलिए आए ताकि मुलजिम को फांसी पर चढ़ा सके, काम है। मैं एक मासूम और निर्दोष जिंदगी बचाना चाहता हूं। ये लोग, ये सारे लोग ये जानने आए कि आखिर सच्चाई क्या है। यहां आए हर इंसान के पास अपना एक मकसद है, मगर कितनी अजीब बात है योर ऑनर कि इतने भयानक और ब्रूटल कत्ल के पीछे कोई वजह, कोई कारण नहीं है। ना ही एफआईआर में कुछ दर्ज है, ना ही पुलिस की फाइल में कुछ लिखा है, क्यों योर ऑनर क्यों? द कोर्ट इज अडजर्न्ड टिल द 13th ऑफ दिस मंथ। थैंक यू सरगम। तरुण, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे? तरुण, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुमसे मिलने आया करूं के जेल में। जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है, अब उससे भी इजहार न कर पाया तो कभी नहीं होगी इसकी शादी। पर दीदी, आजकल सरगम और वो काफी मिलने जुलने लगे हैं, काफी अच्छी दोस्ती हो गई है दोनों के बीच। हाँ, लेकिन जब देखो दोनों सिर्फ केस के बारे में ही तो बातें करते रहते हैं ना। हाँ वो तो है, लेकिन उनकी दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रतन, तुम जल्दी से जाकर सरगम की कुछ तस्वीरें और पोस्टर खरीद कर ले आओ, मैं सरगम को फोन करती हूँ। लेकिन दीदी, सरगम को सरगम के ही पोस्टर्स दिखाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने सोचा है तो जरूर बहुत कुछ कर सकते हैं। न जाने कहां कहां से जमा करके तुम्हारी सारी तस्वीरें अपने कमरे में सजा दी। देखो राज ने, और नहीं तो क्या मैंने। और तस्वीरें क्या, यहाँ देखो सब तुम्हारे कैसेट, ये सारी सीडीज भी तुम्हारी। मेरा बेटा तो बड़ा फैन हो गया भाई तुम्हारा। पता है, मुझे तो लगता था राज बड़े सीरियस किस्म के इंसान है, और म्यूजिक से तो उनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले तो सिर्फ कानून की किताबें पढ़ा करता था, अब तुम्हारे गाने सुनते रहता है। और तुम्हारे गाने है ना, उसे मुंह जुबानी याद है, वर्ड टू वर्ड याद है। अरे मामा जी, सरगम आई है? नहीं तो? तो बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? ऊपर है। हाय सरगम। हाय राज, आओ बेटा आओ। अरे क्या सोच क्या रहा है, आजा आजा। कैसी हो माँ? क्या है ये सब चक्कर? चाय चाय चाहिए ना, मैं अभी लाती हूँ, बस अभी। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपा रुस्तम? ऑफ कोर्स, कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको मेरे गाने इतने पसंद हैं? अच्छा ये बताइए, मेरे सारे गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है? वही जो सबसे बड़ा हिट गाना है ना। कौन सा? अरे वही, वो जिसमें प्यार और इश्क वाली बात है ना। ओह दैट वन, ओह वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, गा के सुनाइए ना।
मैं? या क्यों? प्लीज मैं थोड़ी गा सकता हूँ सर का। प्लीज 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 प्लीज। अरे नहीं, मुझे गाना नहीं आता। बनिए मत, मुझे मम्मी ने सब कुछ बता दिया है कि आप बहुत ही अच्छा और सुर में गाते हैं। प्लीज। अच्छा, माँ ने ये भी बता दिया? ऑफ कोर्स। दरवाजे से खुला था। या ना, हाँ ना बेटी, या ना ना। हाय आंटी, सरगम कहाँ है? वो चली गई। दीदी चली गई? चली गई, लेकिन उसकी कार तो बाहर है। अब बताओ, कार तो बाहर ही होगी ना? वो राज के साथ चली गई बेटी। राज के साथ? कमाल है, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब घर पे बुलाया। घर पे बुलाया? हाँ, गाड़ी लेकर। गाड़ी लेकर? हाँ, फौरन अभी इसी वक्त गाड़ी लेकर। शो कोई जरूरी काम होगा? हाँ, बहुत जरूरी काम है। देखो अब तो तुम्हें जाना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो तुम आओगी ना, चाहे तुम्हें जितनी भी जल्दी हो, मैं तुम्हें चाय पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। दीदी, यहाँ पे क्या किया? संगम ऊपर है और कार भिजवा दी। अगर ये उसकी कार नहीं ले जाएगी तो राज उसे घर छोड़ने कैसे जाएगा? क्या क्या बात है दीदी, क्या? आजा आजा। अगर राज नहीं गया तो? हे, वो देखो वहाँ पर मेला लगा हुआ है। पता है राज, हाँ। बचपन में ना मुझे मेले में जाना बहुत पसंद था। अच्छा? In fact, I was crazy about it. और मन तो आज भी करता है जब भी मेला देखती हूँ कि बस चली जाऊँ, अगर क्या करूँ। पता है राज, तरंग के बाबूजी थे ना, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। गांव में जब भी कभी मेला लगता वो मुझे अपने साथ जरूर ले जाते। ये मेले में क्यों ले आया तुम? जो दिल में हो कभी कभी कर लेना। नहीं राज, बहुत भीड़ लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा भारव, सरगम है। सरगम दिखती है तेरे को? वैसी लगती है, सरगम नहीं है। यार अच्छा समय है प्रेम के लिए, आपके जीवन में प्यार आने ही वाला है। शायद वो आपके आसपास ही हो, पहचानिए और जिंदगी के इस खूबसूरत एहसास को महसूस कीजिए। धन्यवाद। तरंग, कुछ सरगम के बारे में बताओ। सरगम? हाँ, वो बता रही थी कि तुम दोनों बचपन के साथी हो, साथ साथ खेले कूदे पले बढ़े, यहाँ तक कि संगीत का पहला सुर भी साथ ही सीखा। हाँ मैडम, मैं बांसुरी बजाता था और वो नाचती थी। शाबाश बेटा, खूब जोड़ी है दोनों की। भाई बद्री, मन्ने तो ये लागे है कि थारी छोरी और मारा छोरा दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। भाई मारो तो काम आसान हो गयो, अब ब्याह के लिए छोरा ढूंढन की जरूरत कोनी। क्यों तरंग, बनेगा मेरा जमाई? करेगा मेरी सरगम से ब्याह? अरे बोलना के पूछ रहे चाचा। फिर अलग होना पड़ा हम दोनों को। शहर में उसके पिताजी की नौकरी लग गई थी। ओ, तब तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा।
फिर क्या किया तुमने? अरे छोड़ दे बेटा। यो के कह रही हो है? ये कह रही है कि ये चली गई तो फिर ब्याह किसके साथ करेगा? अरे थारा ब्याह सरगम के साथ ही होवेगा, पहले बड़ा तो हो जा। अरे जा भाई, चल चल चल, तेरी गाड़ी निकल गई तो घणो चक्कर पड़ जावेगो। मैं पहुंच के चिट्ठी लिखूंगा। हाँ हाँ, पहुंच के राजी खुशी की खबर दे दिए। अरे रोवा के है बावड़ा? रोवे नहीं तो के करे, एक सरगमी तो दोस्त थी मारे छोरा की। अरे बेटा, जद पुराने दोस्त बिछड़े हैं तभी नए बने हैं। फिर मेरा कोई नया दोस्त बना ही नहीं, बस चिट्ठियों में बातें होती रही। धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। शहर छोड़ के कहीं और चले गए थे वो लोग। फिर सरगम से दोबारा मुलाकात कैसी हुई? सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी सरगम। मैगजीन में उसका छोटा सा इंटरव्यू छपा था, उसे अपना गांव याद था। बस उसके गांव का साथी पहुंच गया उसके शहर। याना, ये तरंग है मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय मेरे बचपन का साथी। फिर दिन के चारों पहर हम साथ रहने लगे। बातें ही खत्म नहीं होती थी उसकी, कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। एक दिन कहने लगी, तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो खो सी जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे तो गाना बिल्कुल आता ही नहीं। तरंग, तरंग मुझे भी गाना सिखा दो ना प्लीज। जला जब चांद नजर न
एक चंदा का सबको पता है, दूसरा चांद है तू। को पता है आठवां सुर है तू। आठवां सुर है तू। सरगम ने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ये गाना भी तुमने ही लिखा? जी। सरगम के लिए? उसे बहुत चाहते हो ना? आपको क्या लगता है? वजह, मकसद, कारण, मोटिव। चार बार यंग जीनियस लॉयर ने ये पॉइंट उठाया और चारों बार कोर्ट एडजर्न हो गई। आज मैं वजह बताऊंगा। ये डायरी आपकी है? मैंने पूछा ये डायरी आपकी है? जी। गुड। म्यूजिकल नोट्स, संगीत की भाषा। संगीत आपका है? मैं पूछ रहा हूं, संगीत आपका है? जी। और ये जो गाने हैं ये आपने लिखे? इन सीडीज में जो गाने हैं वही गाने उस डायरी में भी लिखे हैं ना? लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का नाम अभिजीत मेहता। आपका नाम क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, आपका नाम क्यों नहीं है? काम आपका, नाम किसी और का, क्या बात है ये? हैं? मैं बताता हूं योर ऑनर, दरअसल पिछले 2 सालों से संगीत की दुनिया में धूम मचाने वाले अभिजीत के गाने अभिजीत के नहीं बल्कि तरंग भरद्वाज के हैं योर ऑनर, तरंग भरद्वाज के हैं। सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए तरंग ने अपना सारा संगीत पेश दिया। अश्विन मेहता की स्काई ऑडियो कंपनी आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई। एक फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर का घर अवार्ड से भर गया, लेकिन बेचारा तरंग वहीं का वहीं रह गया योर ऑनर। बस यहीं से शुरू हुई जलन एक कलाकार के मन में। वो झगड़ा करने पहुंच गया, इल्जाम लगाने लगा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ चंद गाने बेचे थे लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे के सारे गाने चोरी कर लिए। गुस्से के मारे पागल हो उठा तरंग। अब उसे रुपए नहीं, नाम चाहिए था नाम। कहने लगा, एक दिन तुम खुद अपने मुंह से कहोगे ये सारा संगीत मेरा। देखिए आज हम खुद कह रहे हैं ये सारा संगीत तरंग का। अभिजीत मेहता ने अपने भाई के कातिल को सजा दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसने अपना करियर, अपना नाम, अपनी शौहरत, सब कुछ अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया सिर्फ इंसाफ के लिए योर ऑनर, सिर्फ इंसाफ के लिए। जिंदगी प्यारी नहीं है? फांसी के फंदे पर लटकना चाहते हो तुम? सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हें मुजरिम साबित कर रहे हैं। हर कोई समझता है कि यू आर क्रूर मर्डरर। सिर्फ एक मैं हूं जिसे तुम पर विश्वास है
और तुमने मुझसे यह बात छुपाई कि वह सारा संगीत तुम्हारा था। Why the hell did you tell me? उन्होंने मुझसे वादा लिया था, बदनामी होती उनकी अगर आप पूछते तो आपसे झूठ थोड़ी बोलता। इस केस में सिर्फ एक कमी थी, मोटिव, और ये लोग इसे मोटिव बता रहे हैं, तुम्हारे कत्ल करने का मकसद। संगीत की दुनिया में चोरियां तो होती रहती है, कभी रीमेक्स के नाम पर तो कभी इंस्पिरेशन के नाम पर, लेकिन इसके लिए कोई खून कर देता है क्या? मैं मानता हूं मैं वहां गया था, लेकिन झगड़ा करने नहीं, ये जानने कि अगर सेठ जी इतने अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूं तरुण, उसे बिना पूछे अभिजीत ने ये सब किया। अब क्या करूं, आखिर छोटा भाई है मेरा और उसके भी करियर का सवाल है। मगर सेठ जी, मैं वादा करता हूं तरुण, अगला एल्बम मैं तुम्हारे साथ रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हारे नाम के साथ। दैट्स अ प्रॉमिस। ये लो टिकट, अपने लिए घर का इंतजाम कर लेना। मैंने सोचा कि एक बार यहां रहने का ठिकाना हो जाए तो संगीत तो मेरे खून में है। अगर बाबूजी का आशीर्वाद रहा और मां सरस्वती की दया तो और बना लूंगा गाने। मैं सच कह रहा हूं राज, मैंने खून नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच अगर कोई है तो वो मैं हूं। मुझसे इस तरह बातें छुपाते रहोगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? राज, मुझे फांसी तो नहीं होगी ना? केस जीत तो जाएंगे ना राज? हारना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता सरगम, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मेरी इज्जत का नहीं, तरंग की जिंदगी का है। मैं अपनी जान लगा दूंगा पर उसे इंसाफ दिला कर ही रहूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई राज कि तुम जैसे अच्छे इंसान से मेरी दोस्ती हुई। आज तरंग का दुख मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूं, और तुमने तो उसके लिए अपनी फीस तक नहीं ली। फीस तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली सर। मेरे लिए? हाँ, तुमसे दोस्ती जो होगी, और एक दोस्त होने के नाते मेरी एक परेशानी में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। परेशानी? और तुम्हें? दरअसल ये जो प्यार इश्क होता है ना, उसे आज तक बहुत बेकार की चीज समझता था, लेकिन किसी से मिलने के बाद पहली बार मैंने जाना कि दुनिया में अगर सबसे प्यारी कोई चीज है तो वो है प्यार। प्यार के बिना ये सब नाम, शौहरत, दौलत, इज्जत सब बेकार है। तो इसमें परेशानी क्या है? उससे अभी तक इजहार नहीं किया है। तो कह क्यों नहीं देते? इनकार से डर लगता है। लेकिन इजहार के बगैर पता कैसे चलेगा? अच्छा मान लो अगर मैंने उसे कह दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करती है नहीं? अगर वो शर्माती है तो मतलब हाँ, और अगर वो रूठ कर चली जाती है तो मतलब ना। कह दूं उसे? अच्छा
हेलो, हाय, मैं बोल रहा हूँ, कैसी हो? हेलो, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेलो, आई लव यू सरगम। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। मिसेस मेहता अपने पति के कत्ल के बारे में जरूर कुछ जानती हैं। हाँ राज, उसके और उसके देवर अभिजीत के बीच में जो बहस चल रही थी ना, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। हमने रिकॉर्ड कर ली। आई थिंक अगर तुम उनसे जाके मिलो तो हमें जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात पता चल सकती है। बिल्कुल, वो ये नहीं चाहेगी कि जो बातें अकेले में की जा सकती है वो भरी अदालत में सबके सामने हो। कुछ अकल वकल है कि नहीं आपको भाभी? उस कमीने तरंग को देखकर आखिर क्या हो जाता है आपको? क्यों नजर नहीं मिला पाती आप उससे? क्यों अदालत से उठकर चले गई आप? इसलिए अभिजीत के तुम्हारे भाई को उसने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने जो किया था उसकी सजा दी है ऊपर वाले ने उन्हें। प्लीज भाभी, इस तरह की बातें आप फोन पे मत कीजिए।
ऐसा क्या किया था आपके पति ने मिसेस मेहता जिसकी सजा उन्हें मिली? जरूर ऐसी कोई बात है जिसे बताना आपके लिए आसान नहीं। प्लीज रिश्तों के बंधनों से आजाद होकर सच का साथ दीजिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके कत्ल के इल्जाम में जो आदमी फंसा है वो जिंदा है। प्लीज सच बताइए, बताइए सच क्या है? क्या बताऊं मैं आपको? जिस रोज आप हमारी पार्टी में पहली बार आए थे, उसी रात की बात है। आओ सरगम आओ, लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। आज तो तुम्हें हमारे हाथों में एक जाम पीना ही पड़ेगा। इस मासूम मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। मैं आज के बाद आप लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। ए सरगम सरगम, कम ऑन, पी हमने है और बैग तुम रही हो। लुक हनी, यू गॉट अ फेस इट, तुम अश्विन साहब की खोज हो और आज तुम जहां भी हो इन्हीं की वजह से हो। यस सरगम, अगर इसके बदले में भाई साहब तुमसे थोड़ी सी दोस्ती करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या? हाँ हाँ अभिजीत, भले ही आपको संगीत का सब ही ना आता हो, पर अपने भाई के लिए लड़कियों को कन्विंस करना जरूर आता है। वैसे आप संगीत छोड़ के अपने भाई के लिए यही काम क्यों नहीं करते? अभिजीत, इस साली को पहले ही दिन बिस्तर पर लिटा दिया होता तो आज इतनी जबान नहीं चलती कमजार की। ए, क्या समझते हो तुम? What the hell do you think of yourself? इस मुस्कराते चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छिपा है। अभी तूने देखा? अभी देखा? अरे भाभी, तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? वो अभी तो नीचे गए हैं। वो नीचे? हाँ। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान कहाँ है, पार्टी हो रही, एंजॉय कर रहे हैं और क्या। एंजॉय योरसेल्फ। अभी नीचे लेके जाना इनको। हटो यहाँ से, हटो अभिजीत। अरे सुनो भाभी, बस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पति मेरी इज्जत के साथ। तरंग की आंखों में बहुत दर्द था। उन खामोश आंखों को देखकर मैं जान गई थी कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और दूसरे ही दिन तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरगम से प्यार करती हो तुम? तरंग, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर? मेरा सवाल इतना मुश्किल तो नहीं है? क्या बात है? मेरे सिर में दर्द है। अच्छा, अच्छा तो सिर्फ इतना बता दूं कि क्या सरगम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? बोलो। इसमें बोलने की क्या जरूरत है, प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। ओहो,
तो तुमने महसूस किया है कि वो तुमसे प्यार करती है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पर क्यों? कहाँ ना, मेरे सर में दर्द है। So, तरंग साहब और क्या क्या महसूस करते हो? चुप साली, बकवास करती हराम खोर, चीर के रख दूंगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। हेलो डॉक्टर। जिसका मुझे डर था वही हुआ। तरंग स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। स्प्लिट पर्सनालिटी? हाँ, एक ही इंसान के बिल्कुल दो अलग रूप। तरंग ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत बेइज्जती सही है, लेकिन उसकी अच्छाई ने कभी उसे रिएक्ट नहीं करने दिया। गुस्से को अपने ही अंदर दबाए रखा, जिसकी वजह से उसके अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया है। उसकी हल्की सी झलक मैंने अभी अभी देखी है, जो बहुत फिजिकल है, काफी वायलेंट है। इस हालत में कब किसके साथ क्या सलूक करेगा उसे खुद नहीं पता। राज, राज बहुत देर। सुनो, अंदर मत जाना। राज, कार धोखेबाज। राज, तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, राज। ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल, बोल क्या खून तूने किया? बोल। ए, क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। देख तरह, मैं जानता हूं तू जानता है सच्चाई क्या है। अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। बोल, बोल। राज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठ, यारा लाया, यारा कॉल मैन इज मर्डर। नहीं, और मैं एक मुस्लिम को निर्दोष साबित कर रहा हूं। पहली बार जिंदगी में एक झूठा केस लड़ रहा हूं मैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तूने सोच समझ कर पूरे होशोहवास में खून किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठे हो, कातिल हो, गुनहगार हो तुम। चुप। अब क्या चाहिए तुझे तरंग? जब देखो बच्चों की तरह रोता हुआ चला आता है मेरे पास, कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं तेरी? कौन है बेतू? कौन है तू? तरंग का वकील है ना तू? बहुत चिल्लाता है उस पर, डराता है उसे। के बाद उसे डराया या धमकाया तो चीर के रख दूंगा। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन है। ओह सॉरी, रंजीत, तरंग का दोस्त। मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता वो। मतलब मिस्टर मेहता का खून तरंग ने नहीं किया? तरंग तरंग वो जो ठीक से बात नहीं कर सकता, वो खून करेगा? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो ये खून तुमने किया है? लेकिन क्यों? कुत्ती है, कुत्ती है साली दुनिया। गरीबों और मासूमों को कुचलती है। सारा संगीत चोरी कर लिया उस बेचारे का।
एक दिन आया मेरे पास, मैंने बोला जा मार सालों को, बोला नहीं तो रो। फिर आया मेरे पास, रंजीत उन्होंने मेरी सरगम को बर्बाद कर दिया, इज्जत लूटने की कोशिश की। सरगम को अपनी बीवी मानता है वो, बचपन में घर वाले रिश्ता भी करना चाहते थे, क्या करता, बहुत रोया। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, काट डाला साले को, चीर के रख दिया, 56 वार किए, 56 सलब, बहुत कमीना था, खून भी काला था उसका। राज, क्या हुआ? तरंग बेकसूर है, वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए राज। उसकी जगह कालकोठरी में नहीं है, वैसे भी बहुत बदनसीब है बेचारा, कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका, और सरगम भी कभी उसकी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन सच तो यही है, तरंग के रंजीत बनने में कुछ हद तक उसकी खामोश मोहब्बत का भी हाथ है। भी मेरे पास है, तू ही मेरा एहसास है, तू आएगी विश्वास है, दिल आज ये परेशान है, बरसों की ये पर्सनैलिटी। भाई वाह डॉक्टर सेन, हम आपकी नॉलेज की कदर करते हैं, लेकिन आप यकीन से कैसे कह सकती हैं कि तरंग स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है? मैंने खुद तरंग को रंजीत बनते देखा है, आप भी देख सकते थे अगर वो वीडियो टेप अदालत में आपने पेश करने दिया होता। डॉक्टर सेन, बंद कमरे में कैमरा लगा के एक्टिंग तो हम भी कर सकते हैं, उसे छोड़िए, और किसी तरीके से साबित कर सकती हैं आप? आप सब जानते हैं समझते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं, सिर्फ केस जीतने के खातिर एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। 7 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया, माँ पागल हो गई, जरा सोचिए इतनी छोटी उम्र में ऐसी माँ को संभालते संभालते इसका क्या हश्र हुआ होगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि पागल माँ के साथ रहते रहते तरंग पागल हो गया? देश भर में कितने पागल खाने हैं, और कई डॉक्टर सालों साल पागलों के बीच रहते हैं, वो तो पागल नहीं हुए।
फिर तरंग इतना अनोखा पागल कैसे हो गया? या तो फिर इसकी माँ बहुत बड़ी पागल होगी जो जाते जाते अपना स्पेशल पागलपन बेटे को दे गई। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पागल को जन्म दिया जो कत्ल करके भूल जाता है। बस बस कीजिए भगवान की तरंग। बस राज, नहीं लड़ना मुझे ये केस, चढ़ जाने तो मुझे फांसी पर, क्या फायदा है ऐसे इंसाफ का जिसके लिए मेरी मरी हुई मां की बीमारी पर लोग इस तरह हंसे के इतना बता दूं कि क्या सरगम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? इसमें कहने की क्या बात है? प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। तरंग साहब, और क्या क्या महसूस करते हो? चुप साली! बकवास करती है, चीर के रख दूंगा। राज, तरंग को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें रंजीत को अदालत में लाना होगा। जिस रंजीत को हमने देखा है, अगर जज ने भी देख लिया तो ये साबित हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। मगर राज, हम कैसे रंजीत को? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। बस मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ राज। I know. Thank you. मिस सरगम, आपने अपने संगीत करियर की शुरुआत मिस्टर अश्विन मेहता की स्काई ऑडियो कंपनी से की, am I right? Yes. जिस कंपनी ने आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, आपने अचानक उसी कंपनी से अपना रिश्ता क्यों तोड़ लिया? इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक है योर ऑनर? ताल्लुक है योर ऑनर, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। Okay, Mr. Goyal, continue. But get to the point quickly. Thank you, Your Honor. हाँ, तो मिस सरगम, आपने बताया नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों काम नहीं करना चाहती थी मिस्टर मेहता के साथ? Well, I was not comfortable. Not comfortable? Why? क्या ये सच नहीं है मिस सरगम कि मिस्टर अश्विन मेहता के दो रूप थे? मेरा मतलब दुनिया के सामने कुछ और अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ और। कहिए मिस सरगम, क्या यह सच नहीं है कि मिस्टर मेहता की आप पर बुरी नजर थी? रंजीत, स्काई ऑडियो कंपनी की पार्टी की रात मिस्टर मेहता ने आपका बलात्कार करने की कोशिश की थी। ही ट्राई टू मोलेस्ट यू। मुझे तो मालूम है ना रंजीत। बताइए मिस सरगम, उस रात क्या हुआ था? जी जी हाँ, ये बात सच है कि मिस्टर अश्विन मेहता अच्छे आदमी नहीं थे।
उस रात उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बहुत ही गंदे और घटिया नियत के आदमी थे वो। कायर साला। मिस्टर बुल्लर, योर विटनेस। योर ऑनर, वैसे तो इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं कि मिस्टर मेहता कैसे आदमी थे, क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त थे और उनकी इज्जत को भरी अदालत में उछाला जा रहा है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। ये बताइए मिस्टर, तरंग आपके गुरु थे तो फिर ऐसा क्यों कि आपने तरक्की की और वो पीछे रह गए? शायद किस्मत। कम कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जादू दिखाकर अमीरों से काम निकलवाने को आप किस्मत कहती है मिस्टर गम? खूब किस्मत है ये। आपने अपनी खूबसूरती को कैसे कैश किया मेहता साहब ने मुझे बताया था। आप उनके नजदीक आने के बहाने ढूंढती थी, उन्हें हमेशा घर बुलाती थी, उनके लिए पिछले को हमेशा तैयार रहती थी। और किस रात की बात कर रही हो तुम? हर रात तो तुम उनके साथ गुजारना चाहती थी। तरंग को इस बात की तकलीफ नहीं थी कि उसकी महबूबा का रिश्ता किसी और के साथ था, बल्कि तकलीफ इस बात की थी कि इस रिश्ते से तरंग का कोई फायदा नहीं हो रहा था। योर ऑनर, कोई फायदा नहीं हो रहा था। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। ए! जाता कहाँ इस साले कुत्ते, गले में पट्टा क्या बांध दिया, कुत्ते की तरह भौंके ही जा रहा है, भौंके ही जा रहा है। कुत्ते तेरी तो कैसे हो सर? में थोड़ा सा दर्द है बस। तुम्हें कुछ याद है अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया? मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी ना राज? तुमने जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया, अब तुम आजाद हो। बस तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हें अस्पताल में रहना होगा। थैंक यू राज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। राज तुम मेरे लिए भगवान। अरे क्या कर रहे हो तुम? सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो और जीत हमेशा सच की होती है। बस तरंग बस, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं अस्पताल में मिलना आया करूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। ओके चलो। राज, यप। बुल्लर साहब की गर्दन, वो भी ठीक है ना? मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह दोगे? कह दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो जब भी दौरा पड़ता है तो कुछ याद नहीं रहता ना?
तुम्हें यह कैसे याद है कि तुमने भुल्लर साहब की गर्दन दबाई? तरंग, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। टू मेनी क्वेश्चंस राज, गो होम, एंजॉय योर सक्सेस, चिल आउट। ऐसे क्या देख रहा है बे काले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? तुझे किससे मिलना है? तरंग से, रंजीत से, या दोनों से? राज साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे आजाद करवा के आपने अपनी शोहरत के डंके बजवा लिए। अब घर जाके सो जा, ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत कर, वरना रंजीत और तरंग के भंवर में ऐसा फंसेगा कि डूब के मर जाएगा। क्यों, 440 वोल्ट का झटका लगा? पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था, इस बीमारी का सहारा नहीं लेता तो क्या करता? बड़े बूढ़े कहते हैं ना, कोई भी ज्ञान कभी जाया नहीं जाता। साली बरसों पहले गांव की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी, स्प्लिट पर्सनालिटी पे। कहां जाके काम आई। सोच रहा होगा कि ये सारी बातें मैंने तुझे क्यों बताई। सरगम बहुत तारीफ करती है तेरी, बता रही थी कि मेरा केस लड़ने के लिए फीस तक नहीं ली तूने। क्यों? सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूं, उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखता है तो पागल हो जाता हूं मैं। 56 बार चाकू चल जाता है और पता तक नहीं चलता मुझे। तू शरीफ आदमी है इसलिए। ए, समझ गया ना? दूर रहना उससे। अच्छा राजबाबू, ऐसा लगा आपको सर? बीमारी समझ लीजिए, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कत्ल करने के लिए कोई भी वजह जायज हो सकती है क्या राज? ऐसे क्या देख रहा है बे काले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूं, उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखता है तो पागल हो जाता हूं मैं। कांग्रेचुलेशंस मारकू। वेल डन राज। वंडरफुल जॉब राज। कम ऑन राज, कम ऑन। राज, आज तुमने प्रूव कर दिया, यू आर द बेस्ट लॉयर इन द सिटी। यस यस, सारे अखबारों में तुम्हारे फोटो छपेंगे, इतनी चर्चा होगी कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। वेल डन बॉय, वेल डन।
वेल लेट्स बिगिन। राज, बेटे क्या हुआ तुम्हें? खुश होने के बजाय तुम, आज तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हुई है ना? जीता नहीं हूं मां, हार गया हूं। जिंदगी में पहली बार हार गया हूं मैं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो राज? आज तो तुमने एक निर्दोष की जिंदगी बचाई है। वो निर्दोष नहीं है मां, उसने सोच समझ कर पूरे होशो आवास में ठंडे दिमाग से वो खून किया है, और मैं उसे पहचान नहीं सका। पहली बार जिंदगी में किसी की आंखों में सच्चाई नहीं पड़ सका। मैं राज गोयल धोखा खा गया, बहुत बड़ा धोखा। उसका केस लड़ नहीं रहा था, वो अपना केस मुझसे लड़वा रहा था। स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार नहीं है मां। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम राज? किसने कहा ये सब कुछ तुमसे? खुद उसने। राज, जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। गलतफहमी थी आज तक। इस तरंग को हम जानते हैं, वो एक झूठ है, फरेब है, एक धोखा है। वो सिर्फ रंजीत है, सिर्फ रंजीत। राज, मैं समझ सकती हूँ बेटे तुम कैसा महसूस कर रहे होगे, लेकिन अब तुम कर भी कह सकते हो? पता नहीं मां, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। नो मिस्टर राज, इट्स इम्पॉसिबल टू रीओपन द केस। कोई भी वकील अपना जीता हुआ केस खुद नहीं खुलवा सकता। कानून के इतिहास में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मैडम, अगर हमने उस मुजरिम को सजा नहीं दिलवाई तो कानून की हार होगी। धोखा करेंगे हम कानून के साथ। सॉरी राज, अब ये बात मेरे हाथ में नहीं रही। और मान लो हमने केस खुलवा भी लिया, तो राज तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा? मैडम, मैं यूं ही अपना पूरा करियर दांव पर नहीं लगा रहा हूं। वो एक गुनेगार है, एक खतरनाक मुजरिम है वो, और अगर उसके लिए कोई जगह है तो वो है जेल, सिर्फ जेल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा। और इस बीच वो पागल खाने से निकल आया तो? उसकी चिंता मुझ पर छोड़िए। मैं यहां ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहता। यहां मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है। कहीं मैं भी अपनी मां की तरह पागल। नहीं नहीं तरंग, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जीने की चाह है। हां तरंग, अगर तुम अपने इलाज में इसी तरह हमारी मदद करते रहे तो बहुत जल्दी यहां से आजाद हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस ये समझ लो कि गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे यहां से बाहर निकलने में।
थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे राजबाबू आप, नमस्ते। डॉक्टर साहब मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में, मेरे तो दो ही भगवान है, एक आप और एक ये। जी आपने इस भोले भाले मासूम इंसान को बचाकर बहुत नेक काम किया है। जी डॉक्टर मैं तरंग से कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूं, जरा रुके। श्योर गो अहेड। थैंक यू। मुबारक हो, बहुत जल्द यहां से आजाद होने वाले हो। जिंदगी दोबारा शुरू तो करनी पड़ेगी राज, और फिर परिवार भी तो बसाना है, सरगम से ब्याह करना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। अच्छे सपने हैं रंजीत। यह तेरी अदालत नहीं है राज, जहां तेरे उकसाने पर मैं रंजीत बन जाऊं। वहां रंजीत बनना मेरे फायदे में था, मगर यहां बनोगे? पूछोगे नहीं कैसे? गौर से देखो, देख रहे हो ना, ऐसे। छोड़ मेरा हाथ कमीने। ये क्या कह रहे थे आप? ये ठीक हो गया है? ये ठीक हुआ है? ये देखिए, ये देखिए, कुछ ही देर पहले मुझे भगवान कह रहा था ना, अभी उसी भगवान को फोड़ कर लाल कर दिया है। डॉक्टर साहब आपको तो इसे खतरनाक पागलों के सर में जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप भी प्लीज इतना करीब बात खड़े रहिए, क्या पता आप ही की जान ले ले। ले जाओ इसे सेल में, ले जाओ। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। कुछ ही देर पहले आजादी के सपने देख रहा था ना। अरे हां, जब भी तरंग को तकलीफ होती है रंजीत आता है ना। कहां है रंजीत? रंजीत हेलो, वेयर आर यू? कहां है रंजीत? रंजीत अरे हाँ, रंजीत तो तू ही है ना, अब तुझे बचाने कौन आएगा? सपने देखना बंद कर दे, अब तू यहां से तभी निकलेगा जब मैं तुझे जेल की कार कोठरी में ले जाऊंगा और वहां से फांसी के फंदे तक।
वैसे गेम बहुत अच्छा खेला तूने, आदमी गलत चुन लिया। हाँ राज। अरे सर का मामूली सी चोट है, इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, प्लीज बैठो। अरे यार मेरा मानना है कि बुराई का बदला अगर तुम बुराई से ही देना चाहो तो तुम्हारी बुराई माफी के लायक हो। मैं एक बार फिर कहूंगी राज, तरुण को लेकर तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। नहीं राज, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं तुमसे? मेरी कोई जाती दुश्मनी है उससे? क्यों मैं अपनी सबसे बड़ी जीत को अपनी हार बना रहा हूं? क्यों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं ये कैसे मान लूं राज कि बचपन से जानती हूं मैं तरंग को राज, और पिछले 2 सालों से तो वो यहां, मुझे हमेशा यही महसूस हुआ है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और प्लीज समझने की कोशिश करो राज, वो मेरे गुरु है। लेकिन तुम्हारा वो गुरु तुम्हें बहुत चाहता है। मैं समझा लूंगी उसे। नहीं समझा पाओगी तुम उसे, और जिस दिन तुम उसे समझाने में कामयाब होगी ना सरकार, तुम्हें खुद नहीं पता तुम अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगी। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, जान से भी मार सकता है तुम्हें। क्या, कैसी बातें कर रहे हो राज? वो मुझे मारेगा, मुझे मुझे कुछ नहीं हो सकता राज। और तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नहीं खोगे राज, कभी नहीं। सरगम तुम जानती नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ राज कि मेरी हर सांस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मेरी हर धड़कन में तुम हो राज। तुम्हें तुम्हारी सरगम से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता राज। सांसे सांसे हैं, सांसों से साज है, साज से सरगम है, सरगम से प्यार है, प्यार से हम दोनों और हमसे संसार है। साथ ही है जीना, हाँ जीना तेरे साथ ही है जीना।
आज से कल, कल से आज, आज से कल, नाम तुम्हारे है हर पल। ये कसम भुलाइयो ना दूर नजर से, जाइयो ना ना जाना, ना जाना, जाना कहाँ है जाना, ओ जाना, जाना कहाँ है जाना। ना 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 तेरे बिना मरना चाहते हो क्या? क्यों इतने दिनों से भूख हड़ताल पर उतरे हुए हो तुम? बस 2 मिनट आपका वक्त चाहिए, सिर्फ 2 मिनट। बोलो क्या कहना चाहते हो? आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आजाद कर दिया जाऊंगा, फिर आपकी जजमेंट गलत कैसे हो गई? उस दिन जिस तरह तुमने मिस्टर राज की हालत बनाई उसके बाद हमारा, अगर मैं कहूं कि अपनी वो हालत राज बाबू ने खुद बनाई थी तो? आप लोग मुझ पे क्यों विश्वास करेंगे? वो एक इज्जतदार और बड़े आदमी है, और झूठ तो हम जैसे गरीब और छोटे लोग ही बोलते हैं ना। डॉक्टर साहब, मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाता हूं, संगीत जो मेरा जीवन है उसके सुरों की कसम है मुझे, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन इसमें उनका क्या फायदा, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो मेरी होने वाली बीवी से प्यार करने लगे। तो क्या राज? नहीं नहीं, वैसे वो इतने अच्छे इंसान है कि मैं अपने 100 प्यार उन पे कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन सरगम के और मेरे माता पिता बचपन में हम दोनों का रिश्ता तय करना चाहते थे, अपने मरे हुए बुजुर्गों की आखिरी इच्छा को। इतने दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं मिस्टर राज कि हमने तरंग का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया है, और उस टेस्ट से इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन इंसान कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच। जी हाँ, उस दिन आप पर हमला उसने नहीं किया था, बल्कि आपने खुद दीवार पर सिर मारकर अपने आप को जख्मी किया था। क्यों आपने उसे पागल साबित करवाया? क्यों इतने दिनों तक आपने उसे जंजीरों में कैद करवाया? क्यों? क्योंकि वो एक खूनी है, एक खतरनाक मुजरिम है वो। तो आपने उसे बेगुनाह साबित करके बरी क्यों करवाया? डॉक्टर, यस, तरंग को कॉमन रूम में शिफ्ट करवाओ। ओके डॉक्टर। नो 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 डॉक्टर, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए प्लीज। इनफ इज इनफ मिस्टर राज, कभी आप उसे खतरनाक पागल कहते हैं और कभी खतरनाक मुजरिम, कमाल है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। प्लीज हमें ये समझाने की कोशिश मत कीजिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। आप बहुत बड़े वकील होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस दिन ये पूरी तरह ठीक हो गया, उस दिन इसे डिस्चार्ज करने से पहले हम आपसे इजाजत लेने नहीं आएंगे। आओ तरंग। कम। आजकल मेरा बेटा ना ठीक से खाता है ना ठीक से सोता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर तरंग पागलखाने से छूट भी जाए
तो ऐसी क्या मुसीबत आ सकती है? मिसेस गोयल, तरंग ये मानता है कि सरगम सिर्फ उसी के लिए बनी है। जिस दिन भी उसका यह वहम टूटा, कयामत आ सकती है। लेकिन आप तो कहती थी कि वो इसलिए हकलाकर बातें करता है कि कुछ कहने से पहले उसे सोचने का मौका मिले। फिर ऐसा शातिर और चालाक आदमी ऐसी कोई हरकत करेगा कि दोबारा कानून के शिकंजे में फंसे? वो शातिर तो है, लेकिन बहुत जज्बाती भी। सरगम के लिए, सरगम को लेकर वो फैसले अपने दिल से करता है, दिमाग से नहीं। दिमाग तो उस वक्त उसके काबू में ही नहीं रहता। वो उस वक्त कुछ भी कर सकता है। आदमी शातिर हो, खतरनाक हो, उससे तो निपटा जा सकता है, लेकिन अगर वो साथ साथ जज्बाती भी हो तो रिहा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे तरंग, अरे तरंग साहब, मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। राकेश भाई, आप सब लोग यहाँ? मुबारक हो। इन लोगों को मैंने ही खबर दी थी तुम्हारे डिस्चार्ज होने की। ये लोग पहले भी 3-4 बार आ चुके हैं, लेकिन मैंने नहीं मिलने दिया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सेठ जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सब लोग। अरे यही कि 3-3 अलग म्यूजिक कंपनी वाले एक साथ कैसे हैं? भाई तरंग जी, बात ये है कि म्यूजिक का धंधा आजकल यूं ही मंदा चल रहा है, तो हमने सोचा कि सब मिलकर ही कुछ कमा लेंगे। आइए ऑफिस में चलकर आराम से बात कर लेंगे। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, चलिए आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, हाय मैगी। हेलो सर। सरगम। ओ हाय तरंग, तुम हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए? बस अभी अभी। सरगम कहाँ है? वो घर पर नहीं है, वो म्यूजिक सिटिंग पर गई है। ये सरगम भी ना? क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। 3-3 म्यूजिक कंपनीज ने मुझे साइन किया है। रियली, दैट्स ग्रेट। अब सच्चाई तो पता लगी जाती है याना। आज तक जो सपने मैंने देखे थे उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। अब सरगम को किसी और के लिए गाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए गाएगी, अपने तरंग के लिए। और देखना, सरगम और तरंग की जोड़ी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। वाटर सर। थैंक यू मैगी। मैगी जाओ मिठाई लेके आओ। तरंग, सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों की दुनिया में खो जाने से पहले एक बार हकीकत भी जान लेनी चाहिए। वो कहते ना, तुम प्यार को नहीं चुनते, प्यार तुम्हें चुनता है। क्या तुमने कभी सरगम से पूछा कि उसके मन में क्या है? क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? किसी और से प्यार करती है वो? वो नहीं, मैं बस यूं ही कह रही थी। कोई और है उसके मन में? नहीं तरंग, बस मेरे मन में ये बात आई कि तुम्हें उसके मन की बात पूछ लेनी चाहिए, बस। तुम अब बात बदल रही हो, बताओ ना। ऐसी कोई बात है तो मैं अपने आप ही रास्ते से हट जाऊंगा, बताओ ना। नहीं तरंग, तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस आराम हो, बेवकूफ बनाती है। नहीं, पागल लगता हूं मैं तुझे? नहीं साली कुतिया, बता सच्चाई क्या है, वरना ऊपर से नीचे तक चीर के रख दूंगा तुझे। बोल। प्लीज।
सुअर की बच्ची से प्यार को ही नहीं, मौत को भी तुम नहीं चुनते, मौत तुम्हें चुनती है। सपने तो मेरे साथ ही हैं और तुम कहती हो सपने नहीं देखने चाहिए। सरगम, सरगम मुझे बचा लो, इस गॉड की बैग। तुमने क्यों मारा इसे? सारी कहती है कि सरगम से कभी पूछा है कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं? ये भी कोई पूछने की? तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ हाँ तरुण, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन तरुण? कोई भला कुछ भी कहे तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कैसे? सरगम, मेरे दिल में ऐसा कोई, ये तो हिस्ट्री और साइकेट्रिस्ट ने मिलकर, मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरी सरगम मुझे बहुत प्यार करती है, बचपन से प्यार करती है। आओ मैगी। कितना खून बहा है याना, तुमने मुझे खामखा गुस्सा दिला दिया। अब देखो, पुलिस उलिस में कंप्लेन करके मुझे फिर से गुस्सा नहीं दिलाना। चलो मिठाई खा के फिर से दोस्ती कर लेते। लो लो, सरगम, याना ने हॉस्पिटल में पुलिस को अपना बयान क्यों नहीं दिया? हाँ सरगम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पुलिस तरंग को सीधा अंदर कर देती। कितने दिनों के लिए? हाँ? पूरी पूरी जिंदगी के लिए अंदर कर सकते हैं पुलिस उसे उस जुर्म के लिए? हाँ? पता है आपको, याना को तो बेचारी को इतना बड़ा शौक लगा हुआ है कि और उसे क्या, मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि बस एक पल में वो दो सालों के रिश्तों को बुला सकता है इस तरह। मैं मम्मी, मैं I can't believe it, ना बेटे, I just can't, ना बेटे। तुम सही थे राज, वो गांव से आए हुआ बोला बोला तरंग नहीं है, वो रंजीत है, रंजीत, सिर्फ रंजीत, he's a maniac, he's a maniac, oh my god। कहाँ से आ रही है सरगम? कहाँ गई थी? वो राज से, राज से मिलने इस वक्त क्यों? वो तुम्हारा केस रीओपन करवाना चाहता है, वो तो मैं उससे समझाने गई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करे। सरगम, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी, लेकिन आज के बाद मेरी खातिर भी तुम रात से नहीं मिलोगी।
वो हराम खोर चाहता है तुम्हें, उसे तुम्हें उसे कुछ मत करना तुम। मेरा मतलब है मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम किसी तकलीफ में आ जाओ। जैसे ही जज साहिबा आती हैं मुझे फौरन फोन करना। ओके राज। राज, जिंदगी में पहली बार सही रास्ता मिला है जिस पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। क्यों मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो तुम? राज, प्लीज राज, मैं अब किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो मुझे। तुम तो इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा दिल तो बड़ा रखो। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है यार, और फिर मैं कौन हूं तुम्हें माफ करने वाला? तुम कानून के गुनहगार हो। ये कानून वानून की बात बेकार है राज, मैं जानता हूं तुम किस वजह से मेरे पीछे पड़े हो। वो वजह सरगम है ना राज? अच्छी तो बहुत लगती है मुझे, बहुत ज्यादा। राज, वो अच्छी है तो अच्छी तो लगेगी, सारी दुनिया को अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारी दुनिया की हो सकती है। वो मेरी है राज, तुम जानते हो, मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूं, और किसी और की पत्नी की तरफ देखना गुनाह है, पाप है राज। अगर इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो उसे, तो तुम्हें उसकी फिक्र क्यों नहीं है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे जेल जाने के बाद उसका क्या होगा? इतनी बड़ी दुनिया में सरगम अकेली क्या करी? अगर तुम सचमुच उसे प्यार करते ना, तो तुम खुद उसका हाथ मेरे हाथ में देते और कहते कि प्लीज राज, प्लीज सरगम से शादी कर लो, क्योंकि मेरी मंजिल संगीत या सरगम नहीं, सलाखें हैं, जेल की सलाखें। सारा शहर छान मारो, जहां भी उसके होने की गुंजाइश हो, वो हर इलाका, हर घर, हर मोहल्ले की तलाशी लो। 12 घंटे के अंदर वो शख्स मुझे यहां पर चाहिए। कानून को खेल समझता है ना वो, कानून की गर्मी उसे दिखानी ही पड़ेगी। नाउ कम ऑन मूव। मुझे ढूंढने के लिए किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मुजरिम नहीं जो पुलिस से छुपता फिरूं। इनके सिर्फ कहने पर आपने मान लिया कि मैंने इन पर हमला किया है। हमला मैंने नहीं, इन्होंने मुझ पर किया है। ये देखिए, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह हमला तुम पर राज ने किया है? इनके पास क्या सबूत है कि इन पर हमला मैंने किया है? इनके बदन पर खरोच का निशान तक नहीं है, और मेरे घाव देखने के बाद भी आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। मेरी कंप्लेंट तक नहीं लिखी जा रही। क्यों? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। हाँ, तुम किस तरह के आम आदमी हो यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है? अंदर करना है मुझे, कर दीजिए। लेकिन जो प्रेस में लेकर आया हूं उसे क्या जवाब देना पहले ये सोच लीजिए, वरना कल के हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर खास खबर यही होगी। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। देखो,
तुम्हारे खिलाफ शिकायत थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रूटीन इंक्वायरी के लिए बुलवाना था, गिरफ्तार करने के लिए नहीं। सिंह, यस सर, इनकी कंप्लेंट लिख लो। यस सर। चलिए। अपनी जान बचाने के खातिर किसी दूसरे की जान ले ली जाए तो उसे जुर्म नहीं कहते, सेल्फ डिफेंस यू सी। गांव की लाइब्रेरी में कानून की किताब भी पढ़ी है मैंने। तरंग साहब, कहीं आप लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नो सर। इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ टेक करते हो और ऑटोग्राफ मेरा ले रहे हो? कसम से तरंग भाई, जो मजा बजाने में आज आया है इससे पहले कभी नहीं आया। मेरी बात लिख लो, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। बहुत ही अच्छा गाना है ना। हाँ, थैंक्स। एक मिनट। चल भाई, तुझे तेरे ससुराल ले जाने के लिए आए हैं। तेरा केस रीओपन हो गया है, चल। अबे चल। चल रहा हूं, बदतमीजी नहीं। ए, आंखें किसको दिखाता है, हैं? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। क्या हो सकता है? अबे देखता क्या है, मेरा भी खून कर देगा क्या? ले चलो साले को, चल चल चल। चल, कानून के साथ खेल खेला है तूने, अब देखना हम तेरे साथ क्या खेल खेलते हैं। पिछली बार तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, इस बार पूरी पिक्चर दिखाएंगे। मेरा डंडा तेरा सर। बहुत बड़ा वकील समझता है ना अपने आप को। कानून क्या होता है इस पर कोर्ट में मैं तुझे बताऊंगा। तुझे किसने कह दिया कि हम तुझे कोर्ट में ले जाएंगे? हाँ, कानून से भागने के जुर्म में तेरा एनकाउंटर भी तो हो सकता है। नहीं, तुझे नहीं लगता सबका टाइम बचेगा? तेरा, मेरा, अदालत का, सबका। चल, अरे चल ना। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हाँ मैं सरगम, मैं जिंदा हूँ, इस बुलेट प्रूफ जैकेट की मेहरबानी से। वैसे राज, मुझे आपकी प्लानिंग पर थोड़ा शक जरूर था कि वो पिस्टल निकाल कर मुझ पर गोलियां चलाएगा या नहीं। लेकिन मैं जानता था इंस्पेक्टर, उसे बेइज्जत करके गुस्सा दिलाएंगे तो वो इसी तरह रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ, लेकिन दुख इस बात का है कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में तो सिर्फ 7 साल के लिए अंदर जाएगा। अगर उसका केस सचमुच रीओपन होता ना, तो जिंदगी भर के लिए अंदर चला जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर कोई छोटा जुर्म नहीं है मामा जी, और वो भी पुलिस वाले पर गोली चलाना, ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म, इट्स अ बिग क्राइम। बस एक बार उसे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, सारी जिंदगी उसे कानून के शिकंजे से निकलने नहीं दूंगा, ये राजगोयल का वादा है। जेल में तेरा गाना सुनने का टाइम, अपन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे जैसा गाने बजाने वाला आदमी किसी का गेम भी बजा सकता है, और वो भी एक पुलिस वाले का। देख बिड़ू, अब तू यहां आराम से रह नहीं सकता, तेरे को यहां से निकलने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। देख भाई से तो मैं बात कर लेगा, तेरे बाहर जाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा, पर उसके वास्ते रोकड़ा मांगता है, बहुत सारा रोकड़ा, कर पाएगा तो इंतजाम? ये सारी दौलत तूने मेरा संगीत चोरी करके कमाई है ना, तो फिर देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चल बाहर रख। हेलो पुलिस, पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है? देखिए मैं अभिजीत मेहता के यहाँ से, अभिजीत मेहता के यहाँ से बोल रहा हूँ, तरंग यहाँ है। जी हाँ, आप फौरन यहाँ चले आइए। हेलो, जी हाँ तरंग यही है, लो देखिए वो उसे धमका रहा है, उससे पैसे हट रहा है। तो लाइव सेट करने का है तेरे को, यानी कि कंट्री छोड़कर बाहर निकलने का है। हाँ भाई, पैसा भी बहुत इसके पास। अभी क्या करेगा भाई, इसने उड़ा दिया कि इंस्पेक्टर को, अभी तुम बोलो। इंस्पेक्टर राणा को? हाँ भाई, वही वही जिंदा है वो। हे इश्क खता, हे इश्क सजा, वो इसका वकील है ना? हाँ, राज राज राज। बहुत कुत्ती चीज है साली, तेरे को मर्डर अटेम्प्ट में फंसने के वास्ते सारा गेम बनाया साला। छोड़ना, हम मुंह लटका के क्या बैठा है, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन भाई दो लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ सरगम ना, कोई चूचा तो नहीं करेगी ना, तेरे साथ जाएगी? अरे बहुत प्यार करती इससे, जेल में इसके वास्ते खाना लेके आती थी वो। हाँ तो तू फटाफट तैयारी कर ले। हाँ सैटरडे को निकलना पड़ेगा, तेरा प्रोग्राम मैं सेट कर दूंगा, सिर्फ 3 दिन है तेरे हाथ में। हेलो, हाँ बोल तरंग, सॉरी रंजीत, मुझे मालूम है फोन पर तू ही है, बोल ना। सरगम को फोन दे। नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा तो आएगा, पुलिस जो कुत्ते की तरह ढूंढ रही है तुझे, गली गली भागता है फिर रहा तू, ऊपर से मैं तुझे सरगम से बात नहीं करने दे रहा हूं, गुस्सा तो आएगा। हेलो। हाँ सुन रहा हूं, बोल ले जितना बोलना है, लेकिन इतना याद रखना मौत से खेल रहा है तू, जब तूने मुझे मुजरिम बना ही दिया है तो तेरा खून करने का जुर्म तो मैं जरूर करूंगा। खून करना तो बहुत दूर रंजीत, अगर हिम्मत है तो थोड़ी देर बस इसी तरह मुझे और धमकी दे, फोन टेप हो रहा है, जरा पता तो चले तो किस कोने से छुपकर बात कर रहा है।
लाओ गाड़ी आगे लाओ। आइए मैम। जीते रहो बेटी। अरे डरिए मत माँ जी, मैं तो आपसे सिर्फ कुछ बात करने आया हूँ। बैठिए प्लीज, बैठिए ना माँ जी। अगर मैं आपके बेटे को मार दूँ तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? नहीं ना, मैं जानता हूँ माँ के लिए औलाद का प्यार ही ऐसा होता है, लेकिन सरगम के लिए मेरा प्यार भी उतना ही गहरा है और आपका बेटा मेरे प्यार के साथ। माँ जी अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? समझाइए अपने बेटे को कि वो मेरे रास्ते से हट जाए, वरना सरगम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ और ली भी है। आपको तो पता ही होगा 56 बार मारा था उसे। उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता था कि मैं सरगम से प्यार करता हूं, लेकिन आपके बेटे को पता है। एक 156 बार मारूंगा उसे, लाश भी पहचान नहीं पाएंगे आप। माँ जी आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? सरगम तुम एक मेहरबानी करोगी हम पर, तुम इसी वक्त यहां से चली जाओ। सिर्फ इस घर से ही नहीं, हमारी जिंदगी से भी, हमेशा हमेशा के लिए। हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, भूल जाओ मेरे बेटे को। दीदी दीदी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, इसका राज से रिश्ता रखना राज की मौत का कारण बन सकता है और मैं अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। तरंग ने मोहब्बत को अपने जीने का मकसद बना लिया है और उसकी इस दीवानगी की आग में हम झुलसना नहीं चाहते। वाह दीदी वाह, एक दिन आप ही ने सरगम से कहा था ना कि शहर में वो कभी अपने आप को अकेला ना समझे, आपके होते हुए माँ की कमी कभी ना महसूस करे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं बहू बनाना चाहती हूँ उसका कोई इतना बड़ा आशिक भी है कि जो उसकी डोली मेरे घर आने पर मेरी बेटी की आरती उठवा सकता है। प्लीज हमें बख्श दो। सरगम, उस बच्ची का दिल तोड़कर आपने अच्छा नहीं किया दीदी। कोई पागल अगर सरगम से इश्क करता है तो उसमें सरगम का क्या कसूर है? उसने आपको धमकी दी और आपने सरगम को। दीदी किसी की धमकी से क्या हम अपनी जिंदगी के मायने बदल देंगे, बनाए हुए रिश्ते तोड़ देंगे? मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ, तुम क्या समझती हो, वो मुझे मार सकता है। अरे उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मुझे छू भी सके। तुम अपने बेटे को इतना कमजोर समझती हो? नो माँ प्लीज, तुम इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए डराया ताकि हम डिस्टर्ब हो, कुछ गलत कदम उठाए,
ये सब उसकी चाल है मां। सरगम की सिक्योरिटी कहाँ है? चलो सरगम, जल्दी चलो। जहाँ हम दोनों चैन से रह सके, यहाँ से बहुत दूर। दूर? सारी बातें तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा। चलो गाड़ी में बैठो। लेकिन मैं अपना सामान तो लेके आती हूँ अपना। यहाँ है। चलो, जल्दी चलो। आओ सरगम आओ, तुम्हारे शो की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मैं ये शो बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती राज। तुम जानते हो तरंग को, वो जरूर आएगा वहाँ पर। यही तो हम चाहते हैं कि वो आए। सरगम ये शो नहीं है, उसके लिए बिछाया हुआ जाल है हमारा। तुम मुझे खोना चाहते हो राज। But you don't trust me? Look at me. कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन राज
He is an animal, Sargam, a real animal. उसे कैद करवाने के लिए तुम्हें इतनी हिम्मत तो दिखानी होगी। चाहत जिसको मेरी जान, उस रोग की ना दवा है ना दुआ।
गाड़ी को चारों तरफ से घेर लो। सिंह तुम मैडम के साथ गाड़ी में बैठो। ठीक हो? हाँ मैं ठीक। तुम घर जा, मैं आता हूँ। सिंह साहब एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना इन्हें। ओके सर। चलो चलो सर। सर यहाँ आइए सर। सर यहाँ देखिए सर, जल्दी। ये तो सरगम का ड्राइवर है। ओह नो, लेट्स गो। चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, फॉलो देम, मूव, कम ऑन। ए, गाड़ी इस तरफ कहां ले जा रहे हो? हाँ भाई, हाँ सरगम मेरे साथ है। जी भाई, जी। फिक्र मत करो सरगम, बस अब कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर हम सारी जिंदगी साथ साथ रहेंगे एक नई दुनिया में, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं और हमारा संगीत। हमारे सारे सपने पूरे होंगे सरगम, सारे सपने। सरगम, क्या हुआ? पानी। सरगम, हेलो हेलो, करण, ये जहाज हमारे लिए आ कहां से रहा है? तुम क्यों फिक्र करती हो? नहीं, मेरा मतलब है हम जा कहाँ रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ तुम्हें मिलने पर मुझ पर गोलियां ना बरसाई जाए। अच्छा तरंग, कम से कम ये तो बताओ कि हम लोग हैं कहाँ? मेरे साथ हो, मेरे पास। तरंग, ये लाइट, कहीं पुलिस तो? लाइट हाउस है यहाँ। ओ, लाइट हाउस। अंधेरे में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए रोशनी देता है, जैसे तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई। तब तो बहुत बहुत जहाज आते होंगे ना यहाँ पर। जंजीरा फोर्ट है ना यहाँ? जंजीरा फोर्ट? जंजीरा फोर्ट तो हमारा जहाज। सरगम, सरगम कहाँ जा रही हो? सरगम, 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 क्या हुआ तुम्हें? सरगम, 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 तुम भाग क्यों रही हो मुझसे? सरगम, सरगम, क्या मजाक है ये? कुछ ही देर में हम निकलने वाले और तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूं तरंग। नो नो नो, क्या बोल रही हो तुम? क्यों नहीं आओगी? क्यों नहीं आओगी मेरे साथ?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सरगम, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये सच नहीं हो सकता। सच यही है तरंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ, उस दिन तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम। मैं डर गई थी, क्या ना क्या हालत देखकर डर गई थी मैं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त समझा है तरंग, मेरी दोस्ती को तुमने प्यार समझ लिया। और फिर अपने दिल की बात शायद तुम मुझसे पहले कह देते तो। अब बहुत देर हो चुकी है तरंग, मेरी जिंदगी में राज आ चुका है, मैं उससे प्यार करती हूँ तरंग। सरगम, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे प्यार में, और तुम मुझे अब बता रही हो क्यों सरगम, क्यों? ठीक है सरगम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन यह भी सच है कि जीते जी मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम्हारी मुश्किल को आसान करने का एक ही रास्ता है मेरे पास, अपनी जान देकर मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। नहीं तरंग, तरंग, तरंग! 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 ये क्या किया तुमने तरंग, क्यों 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 किया ऐसा, इस तरह अपनी जान दे देना पागलपन है तरंग। पागलपन नहीं, दीवानगी है, दीवानगी। और देखो ना, मेरी इस दीवानगी ने तुम्हें भी कितना दीवाना बना दिया, वरना मेरी मौत पे तुम इस तरह तड़पती क्यों, रोती क्यों? सरगम, क्या कहा था तुमने, तुम्हारी जिंदगी में अब राज आ गया, इसलिए तुम अगर राज ही ना रहे तो। सरगम, सरगम, राज, राज चले जाओ यहाँ से, राज, राज प्लीज चले जाओ यहाँ से, राज, राज प्लीज चले जाओ, राज।
पाटिल, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर, दो घंटे ढूंढा, दूर दूर तक कुछ नहीं है। सर, गोताखोरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली लेकिन लाश का कुछ पता नहीं चला। मेरे ख्याल से शायद पानी में बहकर काफी आगे निकल गई होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनसे कहो कि थोड़ी दूर और ढूंढने। कहाँ खोई हुई हो? खामोशी की आवाज कितनी प्यारी, कितनी मीठी। बस अब हमारी जिंदगी में भी इसी तरह सुकून रहे। ये ताजगी, ये सादगी, ये आशिकी, दीवानगी पहले कभी देखी नहीं। देखा तुझे दिल ने कहा तू ही तो है। राज नहीं सर, ये गाना इतना मशहूर है कि कोई भी गा सकता है। शायद बहुत थे गांव में, फंस गए शहर के